और बात सर सब्सक्राइब कैसा आ रहा है? मैं बोलना चाहूंगा दो बड़ी अपने विजिटर दो 14-12 जनवरी 1863 में हुआ था और इनका दिमाग दिलचस्प था कि ये हम लोगों को जहाँ भी जाते थे मास्टर के लिए, जैसे कि अमेरिका में गए तो अमेरिका में इन्होंने मास्टर दिया है, तो इन्होंने अपने मास्टर की पहली लाइन ये बोली, हमारे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, इसी में उन्होंने अपने पूरे अमेरिका के लोगों का दिल जीत लिया। केवल 2 मिनट का इन्हें मास्टर में समय मिला था और 2 मिनट में ही इन्होंने पूरे अमेरिका वासियों का दिल जीत लिया और वहाँ पर इनका प्रोत्साहन हुआ और इन्होंने अपने इंडिया को टॉप नंबर पे ले आए। और स्पेन में एक बार ये जा रहे थे जैसे कि, तो इनके साथ एक स्पेन ने बात की और बोले कि आप ये ऐसा ही बोल रहे हो कि आप इतने बड़े बड़े जो बुक होती है ना, तो बुकों को लर्न कर लेते हैं कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप भी झूठ बोलते हो। स्पेनिश एक बुक रखी थी इतनी मोटी, तो उन्होंने कहा कि इसको मैं तो नहीं पढ़ पाता जो स्पेनिश वाला था, तो इन्होंने बोला कि मैं इसको देख सकता हूँ। उसने इनकार कर दिया इसको कि आपको हिंदी के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, इतनी बड़ी मोटी बुक है, इसको तो मैं भी नहीं समझ पाता। तो इन्होंने कहा एक बार देंगे जरा मुझे भी दे दें, तो उसने मना कर दिया। लेकिन इन्होंने अपने आत्मज्ञान से और अध्ययन से और इनका ये मेडिटेशन ध्यान हम सब भी युवा है, इसलिए हमें इनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए, इनकी लिखी हुई पुस्तकों के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी महापुरुष के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को हम देखते हैं, उनसे बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं कि हमें कमियाँ हमें क्या सुधार कर सकते हैं, और इनके पद चिन्हों पर चलकर हम भी किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। इस युवा दिवस पर हमारे शिक्षक सीनियर बासा सर जो है हमसे उल्लू भी सीनियर है, उनका काम करने का जो अनुभव भी है उनसे सीनियर है, भले विद्यालय में उनसे पहले लिफ्ट हुए थे लेकिन काफ़ी सीनियर है। उन्होंने लगभग वैसे तो स्वामी जी के बारे में बात को खत्म करना, मुझे लगता है कि हम महीनों और वर्षों में इनकी बात करना चाहें तो करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी कम समय में बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच रखी और बहुत अच्छा बताया आपके बीच में। सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला कंसंट्रेशन पे, उसी का हम थोड़ा जोर देना चाहिए। कंसंट्रेशन, अब स्टूडेंट्स को हम लोग कंसंट्रेट बोल रहे हैं कि आप कंसंट्रेट होकर के समझिएगा, लेकिन जब तक हम कंसंट्रेट नहीं है स्टूडेंट्स को कैसे, जैसे स्वामी जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, ऐसे हम भी कुछ ऐसे कार्य करें कि स्टूडेंट्स भी हमसे सीखें, हम उनके लिए प्रेरणादायी हैं। जब हम स्वयं में कंसंट्रेट होकर के स्टडी पर फोकस करेंगे तभी हमारे स्टूडेंट्स करेंगे। मैं कहने में कतई गुरेज नहीं करता हूं, अभी हमारे सर कंसंट्रेट की बात कर रहे थे और उस दौरान ही हमारे शिक्षक कंसंट्रेशन टॉपिक पर ही बात हो रही हो, उस समय ही आप कंसंट्रेट होकर के नहीं सुन रही है, तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस पर आपको सुधार लाना चाहिए, आपको ही नहीं सभी को चाहिए और संकल्प होना चाहिए, जिस तरीके से स्वामी जी ने युवाओं के लिए देश और दुनिया में युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए, उसी तरीके से हमें भी उनके पद चिन्हों पर दूसरे के लिए प्रेरणादायी बने, ये हमें संकल्प लेना चाहिए। इन्हीं सब बातों को मैं आप सबसे निवेदन पूर्वक कह करके कि आप जरूर इनके बारे में पढ़ करके इनसे सीखें और जितने भी महापुरुष हैं उनसे सीखें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस कार्यक्रम की घोषणा करता हूँ। हाँ दोस्तों, प्रेयर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और बेल आइकन को हिट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर नए हैं तो। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।